रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गाजेज लॉ। सबसे पहली चीज़ ये है कि गाजेज लॉ किस मकसद के लिए यूज़ होता है। गाजेज लॉ की एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो कि ये है कि इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गाजेज लॉ का मेन मकसद ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस वजह से होगी? ड्यू टू सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी तरह के भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो लाइन की फॉर्म में चार्ज हो, वो एक स्फीयर की फॉर्म में चार्ज हो, वो एक प्लेट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर चार्ज होगा सिमेट्री में, सिमेट्री मीन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो गाजेज लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। तो गाजेज लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सर्टेन चार्ज कैरियंग सरफेस, और चार्ज कैसा होगा? यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो। अब ये तो हो गई इसकी मेन एप्लीकेशंस। अब इसके लिए एक पॉइंट, एक डेफिनेशन पता होना जरूरी है, वो है गाशियन सरफेस की। अब गाशियन सरफेस क्या है? गाशियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होगी। गाशियन सरफेस एक इमेजिनरी यानी फर्जी सरफेस है, ये किसी भी शेप की हो सकती है, और ये उस पॉइंट में से पास होगी जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो गाशियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस विच पासिस थ्रू अ पॉइंट जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो ये मेन कंसेप्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर याद होने चाहिए एप्लीकेशन ऑफ गाजेज लॉ में। पहली कि ये इसका मकसद क्या है, और दूसरा कि ये गाशियन सरफेस क्या होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, यानी सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लाइन के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, इसके अराउंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पर हमें एक पॉइंट दे दिया गया पी पॉइंट, और आपको कहा जाता है ये पी पॉइंट जो लाइन है उससे आर डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, तो इस P पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E को एवेल्युएट करें। तो E को कैसे एवेल्युएट करेंगे, ये नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास वही है कि ये हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, यानी ये आपके पास ये जो पॉइंट होगा ये प्लस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया और वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, और ये पॉइंट पी उस लाइन से जितनी डिस्टेंस के ऊपर है उसको हम आर का नाम दे देते हैं। तो कंसिडर सेक्शन ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग अ यूनिफॉर्म चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम लैम्डा से शो करते हैं। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल टू होता है चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ के। तो ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई चार्ज पर यूनिट लेंथ। वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट ई एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाशियन सरफेस इमेजिन करेंगे। जैसे मैंने कहा था गाशियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस ऑफ एनी शेप, ये जो पिछले उसमें हमने पढ़ा था गाशियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस ऑफ एनी शेप, ये किसी भी शेप की हो सकती है जिसे हम अपनी आसानी के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये गाशियन सरफेस इमेजिन की इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब ये इमेजिनरी सरफेस है, ये सिलेंडर की फॉर्म में है, ये आपको एक सर्कुलर सिलेंडर नजर आ रहा है जिसकी हाइट है h और जिसका रेडियस हम कह सकते हैं r है। सो गाशियन सरफेस हमने इमेजिन की इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, हमने इसके इर्द गिर्द ये इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन कर लिया। हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर में से फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं, और फ्लक्स के लिए वही फार्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये सरफेस एरिया ओवर अ क्लोज्ड इंटीग्रल का, ये इंटीग्रेट किया हमने ई डॉट डी ए को या ई डॉट डी एस को, तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था ये रिलेशन तब वैलिड है जब हमारे पास सरफेस होगी फ्लैट, लेकिन अगर ये देखें तो ये सरफेस फ्लैट तो नहीं है। हम क्या करते हैं, इस सरफेस को डिवाइड करते हैं इंटू थ्री सरफेसेस। ये ऊपर वाली सरफेस टॉप सरफेस जो सिलेंडर की है फ्लैट सरफेस नजर आ रही है, इसको हम S1 का नाम देते हैं। ये बॉटम वाली सरफेस है, इसको हम नाम देते हैं S2 का,
और ये जो सर्कुलर आपको सरफेस नजर आ रही है इसको हम S3 का नाम दे देते हैं। तो होल सरफेस को हम तीन सरफेस में डिवाइड करते हैं। तो फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स S1 एंड S2 एंड S3 वेयर S1 टॉप एरिया ऑफ द टॉप क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, S2 बॉटम क्रॉस सेक्शन और S3 वो जो सर्कुलर एरिया है। तो अब जब हम तीन सर्फेसिस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे तो फ्लक्स भी क्या होगा ड्यू टू थ्री सर्फेसिस होगा। पहला इस टॉप की वजह से फ्लक्स, फिर बॉटम की वजह से फ्लक्स, फिर इस सर्कुलर रीजन की वजह से फ्लक्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऑब्वियस है इस लाइन ऑफ चार्ज से अवे मूव कर रही होंगी, यानी वो इसके परपेंडिकुलर होंगी। जब वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगी, अगर हम ये देखें टॉप सर्फिस को, तो ये टॉप सर्फिस का फ्लक्स जो होगा सिमिलरली बॉटम सर्फिस का फ्लक्स और इस सर्कुलर सर्फिस का फ्लक्स हमें टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सर्फिस देगा। यानी टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाइ ई डॉट डी एस ड्यू टू सर्फिस वन, ई डॉट डी एस ड्यू टू सर्फिस वन, ई डॉट डी एस ड्यू टू सर्फिस टू प्लस ई डॉट डी एस ड्यू टू सर्फिस थ्री, तीनों का हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम सर्फिस वन और टू की बात करें तो ये है आपके पास सरफेस, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये अगर फ्लैट पड़ी हुई आपको नजर आ रहा है तो हमने कहा था वेक्टर एरिया हमेशा उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये इसका वेक्टर एरिया आ गया और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, वेक्टर एरिया है वर्टिकल, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। बॉटम सर्फिस को देखें तो उसका वेक्टर एरिया भी उस सर्फिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। इन दो सर्फिस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, ई डॉट डी एस वन सर्फिस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस सेकेंड सर्फिस। अब ई डी बन जाएगा ई डी एस कॉस 90, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है ई डी एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है जीरो, कॉस 90 जीरो, तो इसकी वजह से होल फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये जो दो सर्फिस हैं, ये जो आपके पास सरफेस वन है और ये जो सरफेस टू है, ये फ्लक्स में कोई रोल प्ले नहीं कर रही, इनकी वजह से फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड सरफेस की बात करें तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे यहां पर मैं एक सरफेस ले लेता हूं, ये मेरे पास सरफेस मौजूद है, कोई भी मैंने एक सरफेस ले ली इसके ऊपर, तो इसका वेक्टर एरिया सर्कुलर सर्फिस का उस सर्फिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये आपका वेक्टर एरिया। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसका वेक्टर एरिया, अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। जब पैरेलल हो गया थीटा क्या हो गया, जीरो। तो यहां से बनेगा ई डी एस, थर्ड सर्फिस की बात कर रहा हूँ, ई डॉट डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, तो ड्यू टू थर्ड सर्फिस फ्लक्स आ जाएगा ई डी एस, ई डी एस दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सर्फिस। अब यहां पर पुट करें, जीरो प्लस जीरो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एस थ्री इंटू ई डी एस, तो ये दोनों से जीरो खत्म, तो फ्लक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एस थ्री इंटू ई डी एस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही कह चुके हैं क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो यहां पर सरफेस आ गई ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ऑफ सरफेस एस थ्री। जब सरफेस एस थ्री को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो तो सर्कुलर सर्फिस है, तो सर्कुलर सर्फिस का आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कुलर सर्फिस का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। यानी ये बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एरिया है, तो एरिया किसकी इक्वल होगा, लेंथ इनटू विड्थ। जो सिलेंडर की सिमेट्री है उसकी सरफेस एरिया जो होगा वो होगा लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ होगी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर और विड्थ या हाइट कितनी है, एच है। तो यहां से अगर हम देखें इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई आर, हाइट है एच, तो एरिया जो बन जाएगा यहां पर बन जाएगा 2 पाई आर एच। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एस थ्री इंटू डी एस की जगह हमारे पास आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एच, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया e into 2 pi r h e, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट हमें पता है गॉसियस लॉ क्या होता है, गॉसियस लॉ के मुताबिक phi is equal to q over epsilon naught। अब q की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हम ये कह चुके हैं पहले कि दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ कितनी है, जितनी उसकी हाइट है, यानी हम ये कह रहे हैं ना चार्ज इनक्लोज्ड बाय द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ, हम बात कर रहे हैं दिस गॉसियन सरफेस की, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की जो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज q, लेंथ कितनी है h, तो लैम्डा इज इक्वल टू q ओवर h, तो q किसकी इक्वल आ जाएगा लैम्डा h के। तो यहां पर आ गया phi e इज इक्वल टू लैम्डा h ओवर एप्सिलॉन नॉट, phi की ये वैल्यू हमने यहां पर पुट की इस इक्वेशन में, phi e इज इक्वल टू लैम्डा h ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो phi की जगह ये हमने ऊपर जो वैल्यू फाइंड आउट की है 2 pi r h into e lambda h over epsilon naught, तो h से h
कैंसल, ये ई यहीं पर रहेगा, 2 पाई आर दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो आ गई इसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर साथ आएगा आर हैट, जो कि आर हैट क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसका काम किसको शो करना है, डायरेक्शन को। तो जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ आ जाएगा आर हैट, आर हैट की वही डायरेक्शन होगी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट आ गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पहली एप्लीकेशन को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी मजीद एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।